इसमें जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा कोई स्टैंड लेने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है और ऑर्गेनाइजेशनल मामला है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कमिटेड टू तमिलनाडु डेवलपमेंट, हम उसको समर्पित है और तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार होगी वहाँ की, उसको हम हर तरह से सहायता करेंगे। देखिए, हम हमारी पार्टी को एक्सपांड करने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक नॉन करप्ट और अच्छी सरकार तमिलनाडु में बने और जो भी सरकार हो वो नॉन करप्ट हो। नहीं, रेड को तमिलनाडु की इंटरनल पॉलिटिक्स और पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड्स हुए हैं और इस प्रकार का मटेरियल भी मिला है। रेड इस तरह के नहीं है कि भाई रेड कर दिया, डर उत्पन्न किया और बाद में कोई मटेरियल नहीं मिला, कॉन्क्रीट मटेरियल मिला है। तो रेड को पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स या तो तमिलनाडु की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी देश के सभी लीडर्स को मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने मिलना भी चाहिए, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कोई भी प्रांत से अगर कोई लीडर मिलने को आता है तो उसको मिल रहे हैं, वो ममता जी को भी मिल रहे हैं। मगर मुझे एक बात का आनंद है कि दोनों लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन किया है। जहाँ तक अडवाणी जी का सवाल है, वो सीनियर थे नहीं, आज भी सीनियर हैं, हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से नहीं, हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक नेता अडवाणी जी है, इसमें कोई निर्विवाद है। जहाँ तक कांग्रेस और एनडीए, यूपीए और एनडीए दोनों का दलित को सिलेक्ट करने का सवाल है, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, अगर हम दलित को सिलेक्ट न करते, दलित प्रत्याशी हमारे न होते, तो कांग्रेस करती क्या? नहीं करती। उन्होंने श्री गोपाल गांधी, गोपाल गांधी का नाम तय कर दिया था और इसके पहले भी दो बार उनको मौका मिला था, मगर उन्होंने नहीं किया था। अभी तो हम ग्रास रूट लेवल पर हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बहुत सारे फुल टाइमर्स निकले हैं। अभी मैं बैठक करके आया, मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बैठक करके आया, पांडिचेरी से 40 लोग एक साल के लिए तमिलनाडु की अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी को नीचे से मेंबरशिप ड्राइव और बूथ कमेटी के गठन के लिए निकले हैं। तमिलनाडु में से बहुत सारे लोग निकले हैं, तो हम किसके लीडरशिप में करेंगे? वो करेंगे ना, तो आप क्यों चिंता करें? अभी तो मोदी जी की लीडरशिप में सब लोग काम कर रहे हैं और हर बूथ पर एक बूथ कमेटी गठित करने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अभी हम एक साल का हमारी छोटे से छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई जो है वो बूथ है, बीजेपी के संविधान में सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई बूथ है, तो बूथ को मजबूत करने के लिए एक साल का प्लान हम तमिलनाडु और पांडिचेरी दोनों का बनाया है और एक एक बूथ के अंदर 50 कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी कमेटी बना रहे हैं और उनके आधार पर पूरे संगठन को हम बाकी प्रांतों की तरह तमिलनाडु और पांडिचेरी में मजबूत कर रहे हैं, दोनों को सेम पैटर्न पर। जी जरूर, मास है, पहले रजनीकांत जी को तय करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। हाँ करेंगे तो तब सोचेंगे पार्टी में, विद इन पार्टी तमिलनाडु यूनिट से भी चर्चा करेंगे, सेंट्रल पार्टी भी सोचेगी और सोचकर फैसला लेंगे, मगर रजनीकांत जी पॉलिटिक्स में आने का निर्णय करें उसके बाद में उस पर विचार हो सकता है। कर प्रणाली में इतना बड़ा चेंज जब होता है तो टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे और हम ओपन है इस पर।
टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे, लोगों का अलग अलग अभिप्राय आएगा, तो उस पर विचार करेंगे। मैं नहीं मानता ऐसा असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग सब समझते हैं, और अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वी आर ओपन टू रिजॉल्व इट, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है? ऐसा कई लोग मिले हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं मिला है, बहुत सारे लोग मिले हैं। परंतु अगर कोई राज्य सरकार का प्रॉब्लम है तो मैं मानता हूं कि चेन्नई में प्रदर्शन करना चाहिए था, अगर राज्य सरकार का प्रॉब्लम है। नहीं, अप्रोच मैंने कहा इस तरह से कंपेयर नहीं हो सकता, सामने से कैसा अप्रोच है इसके आधार पर यहां से अप्रोच होगा। प्रॉब्लम के हिसाब से अप्रोच होता है। जहां तक कश्मीर का सवाल है और पाकिस्तान की बॉर्डर का सवाल है, हैंडलिंग का इस प्रकार से इवेल्युएशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिचुएशन किस प्रकार की है उस प्रकार से हैंडल करना पड़ता है। कॉमन सिचुएशन किसी एक प्रकार की समय पे नहीं होती है, मगर हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुनिया भर में एक मैसेज भेजा है कि हिंदुस्तान अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कटिबद्ध है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे पहला तो नीट का निर्णय भारत सरकार का नहीं है, देश की सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको भारत सरकार फॉलो कर रही है। भारत सरकार ने इंटरवीन कर स्थानीय भाषा को स्थान पाया। पहले तो सिर्फ अंग्रेजी में लेने का ऑर्डर हुआ था, भारत सरकार ने एफिडेट कर स्थानीय भाषाओं को स्थान पाया। हमने एक साल तक सभी स्टेट को टाइम भी दिया है कि यू मैच और कैराकुलम विथ CBSE, एक साल तक समय भी दिया है। फिर भी शुरुआती समय में कुछ राज्यों में से दिक्कत आई है। हम उनके कोर्स बनाने वालों के साथ भारत सरकार एक मीटिंग बुलाकर फर्दर डील करने वाली है कि भाई एक कोर्स की समानता पूरे देश भर में किस प्रकार से हो, और नीट अप्लाई हो तब किसी को अन्याय ना हो। वो तो एप्लीकेशन बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी। हम तो जो व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। अभी अभी इस पर बीजेपी ने अपनी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है। ना राजस्थान में कास्टिज्म का प्लान है, ना यूपी में कास्टिज्म का प्लान हमने किया है। कास्ट बेस्ड पार्टियां उत्तर प्रदेश में हारी हैं, जो किसी कास्ट से जुड़ी थी वो पार्टियां हारी हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करती। जहाँ तक रिसेंट सर्कुलर का सवाल है, वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के कारण ने नोटिफिकेशन निकालना पड़ा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिव्यू करने के लिए भारत सरकार को कहा है। भारत सरकार सभी पक्षों से सुनवाई कर रही है, मगर इसमें किसी चीज पर बैन का सवाल नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स बनाने के लिए वो ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था इसका ही वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सभी पार्टियों को सुनने के लिए कहा है, तो ये सुनवाई चल रही है। देखिए, जहाँ तक गंगा का सवाल है, हमारी सरकार बनी तब से 3 महीने पहले तक गंगा का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे राज्यों के पास नहीं था। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पटना में नीतीश जी की सरकार थी, बंगाल में ममता बनर्जी की सवाल। सिर्फ 20-25 किलोमीटर की गंगा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के शासन में थी। अब उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, झारखंड में हमारी सरकार ऑलरेडी है, तो उत्तराखंड से लेके पटना सरकार, बिहार सरकार कोऑपरेट भी कर रही है। तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा हिस्सा अब काम स्पीडी होगा और होने की शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी सभी मुख्यमंत्रियों से उमा भारती जी की और कंसर्न सचिव की मीटिंग हो चुकी है, इसका प्लान चॉकआउट हो चुका है, और बहुत सारा बजट का आवंटन हुआ था उसके टेंडर्स भी निकल चुके हैं।
पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्कुलर कर सरकार मुख्यमंत्री ऑफिस की परमिशन के बगैर कोई काम शुरू न करना, इस प्रकार की सूचनाएं दी थी। अब काम की गति पकड़ी है, तो मुझे आशा है कि बहुत जल्द इसमें फर्क दिखाई पड़ेगा। परंतु इस प्रकार के मसलों को ऐसे नहीं सोचा जा सकता, ये तीनों राज्यों को साथ में रखकर सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी, मामले में अभी जो तत्काल रिसेंट फैसले हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ही हुए। मैं गत साल की बात कर रहा हूँ, जो फैसला हुआ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी छोड़ने के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। देखिए, नहीं भी हुआ तो कावेरी इश्यू रिजोल्व होना चाहिए, करना चाहिए तीनों राज्यों ने साथ में मिलकर, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कावेरी इश्यू रिजोल्व हो। इसके बारे में मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, भारत सरकार के प्रवक्ता ने ठीक से अपना रिएक्शन दे चुके हैं भारत सरकार। अभी मोदी जी का विजिट वहां चल रहा है, इस समय पर मेरा उस पर टिप्पणी करना कोई उचित समय नहीं होगा। सीईओ मीटिंग हो रहा है, ट्रंप से भी मिलेंगे, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ये उचित समय नहीं है। इस पर मोदी जी ही वहां से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें सारी चीजों को बताएंगे। देखिए, इसमें मेरी कोई अधिकृत टिप्पणी भारत सरकार ने करनी है, मगर मैं एज अ प्रेक्षक, एक दर्शक के नाते दूर से जो देख रहा हूं वो मैं बताता हूं कि कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का करप्शन रोकने का अधिकार है, और किरण बेदी जी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। अगर सरकार में कहीं करप्शन होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के परव्यू में आता है इसको पूछना और इसकी पूछताछ करना। मैं मानता हूं वो ठीक ही कर रही है। अब वो लोकल बीजेपी यूनिट इस पर कमेंट करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। एज अ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का वीकनेस ढूंढना हमारे विरोधियों के लिए भी बहुत मुश्किल है। जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, मैंने 15 मिनट अभी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ गिनाए हैं। एक डिसिसिव लीडर है, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, संपूर्ण ट्रांसपेरेंट नॉन करप्ट सरकार चलाई है, उनको वास्ट एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, दुनिया में उनकी स्वीकृति आई है और आजादी के बाद का सबसे पॉपुलर लीडर है। ने ऐसे किसी को सिंगल आउट करके रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा, ऐसे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरा भी जिम्मेदारी है, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी मैं बताऊंगा नहीं, बताना भी नहीं चाहिए ना, अभी तय किया है। अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन ग्रास रूट लेवल पर हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए। नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि 3 साल में देश में क्या परिवर्तन आया है। 3 साल के अंदर ही देश के हर अकाउंट, हर फैमिली में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। 3 साल में 4.5 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनाने का काम समाप्त हो चुका है। 3 साल में 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा बैंक का लोन दिया गया है। 3 साल में 13,900 ऐसे गांव थे जहां आज तक बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। 3 साल में 40 साल से पेंडिंग एक वन रैंक वन पेंशन का प्रॉब्लम था, इसको रिजॉल्व कर सेना के जवानों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। यही 3 साल के अंदर हमने ब्लैक मनी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। GST जो कभी स्वप्न दिखाई पड़ता था, 1 तारीख से GST पूरे देश भर में लागू होगा, एक देश एक कर का सपना हमने साकार किया है। कि देश किस दिशा में जा रहा है आज सबको भरोसा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश डेवलपमेंट के रास्ते पर जा रहा है। धन्यवाद।